हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के यूपी बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट की। जैसा कि हम पिछले वीडियोस करते आ रहे हैं, हमने टॉर्च बीयर यानी कि प्रोज सेक्शन का 5th चैप्टर डिस्कस करना स्टार्ट किया है, जिसको लिखा है W.M. रायबर्न ने। और इसकी दो स्टोरीज हैं, फर्स्ट स्टोरी सेकेंड स्टोरी, जिसको आपके बुक में पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा होगा। मैंने इसको स्टोरी 1 स्टोरी 2 माना है, तो आप वैसे कर सकते हो। और रही बात टॉर्च बीरर की, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं उसका मतलब क्या होता है, और उसके प्रीवियस दो वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर जिसने नहीं समझा है या कभी किसने नहीं पढ़ा है, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट इस चैप्टर के। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, मतलब एक तरीके से व्याख्या किया है या अनुवाद किया है जो सेंटेंस लिखे इंग्लिश में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड जो होगा वो पैरा होगा, वो आपका होगा इट वॉज नाउ से लेके गुड सिटीजनशिप, मतलब कि एकदम आखिरी तक हम जाएंगे जो इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है, वहाँ उसका आखिरी तक। जैसा कि हम पिछले कई वीडियो से करते आ रहे हैं, हम फिर से हम क्या करेंगे, हम वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फिर डायरेक्ट अपने चैप्टर पर आ जाएंगे। वहाँ हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसका जो वर्ड मीनिंग होगा, पहला वर्ड क्या है, टू हैंड ओवर। टू हैंड ओवर मतलब सुपुर्द करना। सुपुर्द करना मतलब क्या होता है, किसी को कुछ देना। जैसे कि मान लो मैंने अपनी वसीयत अपने बच्चों को नाम की, तो मैंने अपनी वसीयत उनके हाथ में दे दी है। टू हैंड ओवर मतलब उनको दे देना एक तरीके से। कोई केस है, कोई छोटा ऑफिसर बड़े ऑफिसर को केस क्या करता है, हैंड ओवर करता है, दे देता है कि सर ये केस आप लड़िए, केस आप संभालिए, या ऑर्डर आता है कि छोटे से बड़े ऑफिसर इस केस को संभालेंगे, तो उसके लिए यूज होता है टू हैंड ओवर। फिर होता है विजडम। विजडम मतलब क्या होता है, बुद्धिमानी। नेटिव मतलब क्या होता है, मात्र, मातृभूमि होता है, नेटिव, नेटिव टंग, मातृ भाषा, नेटिव कंट्री, मातृ देश अर्थात मातृ भूमि। कैरेक्टर मतलब चरित्र, चरित्र प्रमाण पत्र होता है हमारा ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो हमको स्कूल से मिलता है उसको, वही वही कैरेक्टर मतलब चरित्र। फिर आता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, बुद्धि, मतलब आपका दिमाग एक तरीके से। और टैलेंट मतलब हमें पता है क्षमताएं, हमारे अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं वो। फिर आता है थ्रू आउट, थ्रू आउट मतलब होता है अंदर या में, दोनों हो सकता है, अंदर भी हो सकता है और में भी हो सकता है। अभी आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि थ्रू आउट वर्ड कहाँ यूज हुआ है। सिटीजन्स मतलब क्या होता है, नागरिक, मतलब पीपल, किसी देश के पीपल। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, उन्नति करना या उन्नति एक तरीके से। सिटीजनशिप मतलब क्या होता है, एक तरीके से नागरिकता। और फिर टू ट्रेन मतलब क्या होता है, प्रशिक्षित करना, किसी को प्रशिक्षित करना, किसी को तैयार करना एक तरीके से। और कल्टीवेट मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना, कोई चीज आप फसल उगाते हो, कल्टीवेट करते हो, उत्पन्न करते हो, उसी से वर्ड लिया गया है कल्टीवेट। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट में, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है मुख्य गुण। ये सब कुछ जो वर्ड है, वर्ड मीनिंग, ये हम अभी जो पढ़ेंगे उसमें आएंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो प्रोज के, चाहे पोएट्री के, चाहे सप्लीमेंट्री के, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, साथ में उनके क्वेश्चन आंसर भी जाकर देख सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। जैसा कि हम वीडियो में देख चुके हैं पिछले कि क्या स्टोरी थी, स्टोरी ये थी कि एक वृद्ध व्यापारी था जो अपना पैसा अपने बच्चों को, मतलब वसीयत अपने बच्चों को देना चाहता था, पर एक को जो बहुत बुद्धिमान हो। तो उसने क्या किया, परीक्षा लिया। परीक्षा में क्या हुआ, उसने दोनों को 1-1 रुपए दिए, जो उस समय बहुत बड़ी होती थी। उन दोनों को दिए और कहा कि जाओ खर्च करो, और खर्च करके कुछ ऐसा सामान लाओ जो पूरे घर को क्या कर दे, भर दे। तो बड़ा लड़का कहा गया, बाजार गया, सो कुछ मिला नहीं। फिर अंत में उसको क्या मिले, भूसे मिले। भूसे लेकर वो आया, भूसे उसने जब भरना स्टार्ट किया तो उसको पता चला ये तो फर्श के बराबर भी भूसे नहीं हुए और उसके 1 रुपए खर्च हो गए। जबकि जो दूसरा लड़का था वो डायरेक्ट बाजार नहीं गया, वो पहले गया, बैठा, आराम किया, सोचा कि क्या खरीदना है। फिर लास्ट में शाम जब हुई तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया और तुरंत गया वो मोमबत्ती वाले की दुकान, गया वहां से उसने कुछ मोमबत्तियां खरीदी और वो घर आ गया। जब वो घर आया तो देखा कि उसके भाई, उसका भाई बहुत ही निराश होकर खड़ा है और वो किधर देख रहा है, भूसे की तरफ देख रहा है। उसके आगे की स्टोरी हम अब पढ़ेंगे, तो जो उसके आगे की स्टोरी होगी वो होगी इट वॉज से लेकर हम देखेंगे इट वॉज से। अब जो अंडरलाइन किया वही वर्ड मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक तरीके से पैरा। तो
इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क क्विकली, मतलब जो अंधेरा था वो बहुत जल्दी से हो रहा था. क्विकली द सेकेंड सन, तो क्विकली द सेकेंड सन स्टूड टू और थ्री कैंडल इन ईच रूम. तो जब अंधेरा बहुत तेजी से हो रहा था, जो जो दूसरा लड़का था उसने तुरंत, क्विकली मतलब तुरंत, उसने क्या किया, दो और तीन कैंडल हर एक प्रत्येक रूम में उसने लगा दिए. स्टूड मतलब यहाँ मतलब होता है लगाना. देन ही लिट देम. लिट मतलब होता है जलाना. मैंने वर्ड मीनिंग बताना भूल गया था, लिट मतलब क्या होता है, सॉरी फॉर दैट, पर लिख लीजिएगा. लिट मतलब होता है जलाया या जलाना. तो उसने क्या किया, उसने आग जलाई उन दोनों मतलब उनमें. फिर क्या होगा, एट वंस द हाउस वॉज फिल्ड विथ लाइट. और एक साथ जो पूरा घर था वो किससे भर गया, प्रकाश से भर गया. यही स्टोरी थी कि कोई ऐसी चीज लाओ जो पूरा घर भर दे. तो उसने कैंडल लाया, कैंडल में उसने माचिस जलाई, प्रकाश हुआ, और प्रकाश से पूरा घर क्या हो गया, भर गया. यही बुद्धिमत्ता है, यही बुद्धि है जो हमें सीखना चाहिए कि हमें कोई काम फटाफट नहीं करना चाहिए, हमें कोई काम धैर्य से करना चाहिए, वो अपने आप हो जाएगा. अगर जल्दी होना होगा हमें आराम से सोच समझ से काम करना चाहिए. फिर लिखा है, हिज फादर वॉज वेरी प्लीज विथ हिम एंड सेड. जो उनके पिता थे वो छोटे से बहुत छोटे वाले से बहुत खुश हुए, प्लीज मतलब खुश होना, और कहा, माई सन यू हैव शोन ट्रू विजडम. मेरे पुत्र तुमने सही बुद्धिमत्ता दिखाई है, या सही बुद्धिमानी दिखाई है. शोन मतलब दिखाया. आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू. मैं तैयार हूँ अपने सभी जो पैसे थे वो तुम्हें देने के लिए. जैसा कि मैंने बताया था, सुपुर्द करना. सुपुर्द करना मतलब पैसे किसी को, मतलब किसी को कोई सामान देना, किसी को कुछ चुनौती देना, किसी कोई सामान, एक तरीके से आप अपने हाथ से उनको दे रहे हो, उनको बोलते हैं टू हैंड ओवर. अब हम आगे बढ़ेंगे नाव से. अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं. नाव से लेकर हम प्रोसेस तक जाएंगे, पहले प्रोसेस तक, फिर उसके आगे हम आगे बढ़ेंगे. देखिए क्या लिखा है, नाउ वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस. अब हम बहुत मतलब अब हम बड़े घर में रहते हैं. विच वी कॉल अवर नेटिव कंट्री. तो जो बड़ा घर है वो क्या है, नेटिव कंट्री, हमारा देश है. मान लीजिए वी हैव ईच ऑफ अस बीइंग गिवेन सम 1 रुपी, सम 2 रुपी, सम 3 रुपीज एंड सम 4 रुपीज. मतलब हमें भी जैसे उनके पिता ने उन्हें 1 रुपया दिया था, हमें भी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे किसी को 1 रुपये, किसी को 2 रुपये, किसी को 3 रुपये और किसी को 4 रुपये मिले हैं. कल्पना करके, यहाँ रुपए मतलब है कि क्वालिटी, याद रखिएगा. रुपए मतलब यहाँ रुपए नहीं, आप सबको 1-1 रुपये दिया गया है, सरकार ने सबको 1-1 रुपये दिया, ऐसा नहीं. यहाँ मतलब है क्वालिटी, मतलब गुड़. तो किसी को एक एक गुड़ दिया है, किसी को एक से ज्यादा गुड़ दिया है. तो वही बात यहाँ पे कही गई है, दीज रुपीज आर नॉट रुपीज विथ विच वी कैन बाई थिंग्स. ये वो रुपए नहीं है जिससे हम कुछ खरीद सकते हैं, ठीक है. बट दे आर डिफरेंट पावर वी हैव बीन गिवेन. पर ये क्या है, अलग, डिफरेंट मतलब अलग शक्तियां हैं जो हमें प्रदान की गई हैं, मतलब हमें दी गई हैं. ईच ऑफ अस हैज पावर ऑफ बॉडी. हमारे सभी के अंदर क्या होता है, बॉडी, शरीर का पावर होता है, पावर ऑफ माइंड, बुद्धि मतलब दिमाग का पावर होता है, पावर ऑफ करेक्टर, और हमारे चरित्र का पावर होता है. हम यही सबसे अपनी जिंदगी बनाते हैं और इन्हीं सबसे हम अपने देश को प्रकाशित करते हैं, अपने देश का नाम रोशन करते हैं. फिर समझिएगा, मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ. नाउ वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस विच वी कॉल अवर नेटिव हाउस. अब हम जो घर, जैसे छोटे मतलब व्यापारी का था, वैसे ही मान लीजिए हम भी बहुत बड़े घर पर रहते हैं जिन्हें हम नेटिव हाउस मतलब मातृभूमि कह सकते हैं, हम अपना देश एक तरीके से. वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवेन. हम सबको दिया गया, क्या दिया गया, सम 1 रुपीज, किसी को 1 रुपये दिया गया, सम 2 रुपीज, किसी को 2 रुपये, सम 3 रुपीज, किसी के 3 रुपये एंड सम 4 रुपीज, और किसी को 4 रुपये, मतलब एक तरीके से पावर. दीज रुपीज आर नॉट रुपीज विथ विच वी कैन बाई थिंग्स. ये वो रुपए नहीं है जिससे हम कोई सामान खरीद सकते हैं. बट दे आर डिफरेंट पावर्स. पर ये क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हैं. वी हैव बीन गिवेन, जो हमें दिया गया है. ईच ऑफ अस हैज पावर ऑफ बॉडी. हम सभी के अंदर क्या होता है, शक्ति होती है. किसकी शक्ति, बॉडी की, शरीर की. पावर ऑफ माइंड, हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग की शक्ति होती है. और पावर ऑफ करेक्टर, और हमारे चरित्र की शक्ति होती है. और इन्हीं सबको मिलाकर हम अपने देश का नाम रोशन करते हैं. ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ. हम सभी के पास क्या है, ताकत है, टाइम, समय है, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता है या बुद्धि है.
विच कैन बी यूज, जिसका यूज किया जा सकता है, इन सभी का यूज किया जा सकता है हम, क्योंकि हमें ये मिला है, किसी को थोड़ा कम किसी को ज्यादा, पर सबको मिला है। एज वी लीव स्कूल एंड गो आउट इन टू द वर्ल्ड, जब हम स्कूल छोड़कर दुनिया में आएंगे, अर्थात देखो दुनिया यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप, होता क्या है जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हो तो होता क्या है, आप जनरली दुनिया से उतने आप ध्यान नहीं देते हो, आपका ध्यान कहाँ होता है, घर, घर से स्कूल, स्कूल से बहुत गए तो कोचिंग, कोचिंग से फर्क, फिर घर, फिर स्कूल, फिर कोचिंग, फिर घर, या कोचिंग नहीं पढ़ते तब स्कूल घर, स्कूल घर, या बहुत मन किया तो आप अपने फ्रेंड के या रिश्तेदार के यहाँ जाओगे, मतलब पूरा दुनिया आप जनरली नहीं घूमते हो, पूरा दुनिया के मतलब है समाज को उतना आप ध्यान नहीं देते हो, आपका ध्यान पढ़ाई और स्कूल घर, स्कूल घर इसी पर लगा रहता है। तो यही इसलिए कहा गया है एज वी लीव स्कूल एंड गो आउट इन टू द वर्ल्ड, मतलब जब हम स्कूल छोड़ें और कहाँ जाएं, दुनिया में जाएं, वी आर टेस्टेड टेस्टेड एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज टैलेंट विच वी पोसेस, मतलब वी आर टेस्टेड, हमें टेस्ट किया जाता है एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज, कि हम कैसे यूज करेंगे, कि हम कैसे यूज करेंगे दीज टैलेंट, ये सब टैलेंट जो हमें मिला है, हमें किसी को थोड़ा अच्छी बुद्धि मिलती है पढ़ने में, किसी को कोई अच्छा काम करने को मन करता है, किसी को क्या होता है कि मैकेनिक मतलब कोई काम खराब खुला हो उसको सही करना, किसी को मन करता है कि वो क्या हो पढ़ने में अच्छा हो, किसी का मैथ में मन करता है, किसी को इंग्लिश, तो जो अलग अलग सबके पास टैलेंट है, वही टेस्ट होता है जब हम दुनिया बाहर जाते हैं हम, विच वी पोसेस, जो हमारे पास होता है, इसलिए कहते हैं ना अगर आप पढ़ाई कर लो, इसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या इंटर कर लो, उसके बाद आप दुनिया में जाते हो तो आप जॉब के लिए जाते हो, जॉब में आप क्या होता है एक तरीके से टेस्ट ही तो होता है, जहाँ पे आपका देखा जाता है कि आपको जो टैलेंट है वो कितना, आप कितने उस पर खड़े उतरते हो, यही बात यहाँ कहा गया। इंटरव्यू और भी चीजें होती है, मैंने एग्जाम्पल इंटरव्यू का दिया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रोसेस मतलब कोई चीज आपके पास जो होती है उसको प्रोसेस कहते हैं, जैसा कि हम पहले कई चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, हम आगे पढ़ेंगे। आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाई यूजलेस हे, क्या हम उसको उस यूजलेस हे की तरह यूज करेंगे, याद करिए यूजलेस हे क्या था, वो भूसा था जो पूरा भर नहीं पाया था और इवन वो फर्श भी नहीं भर पाया था, तो क्या हम अपने टैलेंट को उस तरह यूज करेंगे, और वी आर गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट आवर हाउस, या हम उसको अपने टैलेंट को इस तरह फैलाएंगे कि वो क्या होगा पूरे घर में, पूरे घर में देखें, थ्रू आउट मतलब होता है घर में, जो मैंने बता रहा था में या अंदर, तो पूरे घर में क्या हो जाएगा प्रकाश, या घर मतलब है कंट्री, तो पूरे देश में क्या हो जाएगा प्रकाश फैल जाएगा, मतलब हमारी बुद्धि का सही प्रयोग होगा, जैसे आईएएस होते हैं उन्हीं का, तो उन्हीं के बल पे हम, हमारा जो यहाँ का जो एक तरीके से चलता है डीएम, मतलब एक तरीके से उन्हीं के बेस पे तो पूरा स्टेट चलता है, उन्हीं के बेस पे एक तरीके से सिटी चलती हैं, तो सोचिए जरा वो पढ़कर जब टेस्ट होते हैं और दुनिया चलाते हैं तभी तो हम चलते हैं, वही प्रकाश फैलाते हैं, वही कुछ क्या होते हैं पढ़े लिखे होते हैं पर चोरी करते हैं, खून खराबा करते हैं, तो वो गलत है, वो आप बर्बाद कर रहे देश को, वही बात यहाँ लिखा है कि आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाय यूजलेस है, क्या क्या हम उसको उस यूजलेस मतलब बिना काम के उस भूसे की तरह यूज कर रहे हैं अपने टैलेंट को, या और वी आर गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट आवर हाउस, या हम अपने घर में अर्थात देश में उस टैलेंट को प्रकाशित कर रहे हैं, फैला रहे हैं, अवर कंट्री मतलब यहाँ वही दैट इज अवर कंट्री, वो जो हाउस की बात हो रही है वो क्या है हमारी कंट्री के बारे में बात हो रही है। इफ वी आर गोइंग टू बी अ गुड सिटीजन, अगर हमें अच्छा नागरिक बनना है, देन वी शैल यूज अवर पावर, तब हमें अपने पावर का यूज करना होगा, एंड एबिलिटीज और एक तरीके से क्षमताएं, टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इन टू ऑल पार्ट ऑफ अवर कंट्री, मतलब हमें क्या करना होगा अपने पावर का, अपने एबिलिटीज का सही तरीके से प्रयोग करना होगा ताकि हम उसको स्प्रेड कर सके, फैला सके प्रकाश, एक तरीके से जो एक तरीके से अच्छी बात है वो फैला सके भारत के हर एक भाग में, अपने देश के हर एक भाग में फैला सके। दैट इज वी शैल स्पेंड अवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अवर कंट्री, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ताकि हम अपने देश का, अपने देश की सेवा में, सर्विस मतलब सेवा, सेवा में अपने आप को स्पेंड कर सके, एक तरीके से यूज कर सके, यही इसका मतलब है।
कि हमें जो ज्ञान मिला है, हमें जो टैलेंट मिला है, उसका हम अपने देश के लिए यूज करें। जैसे एक तरीके से जो सचिन को टैलेंट मिला था, उसने उन्होंने उनका यूज कहाँ किया, उन्होंने क्रिकेट इंडिया में क्रिकेट खेलकर, इंडिया के लिए क्रिकेट खेलकर इंडिया का नाम रोशन किया। और जैसे एग्जाम्पल के लिए महेंद्र सिंह धोनी है, और आपके विराट कोहली हैं, और भी कई, जैसे आप संगीत की बात करें या आप एक तरीके से सूरदास की बात करें, कबीर दास की बात करें, उन्होंने क्या किया, भारत का नाम रोशन किया। और ऊपर से रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी अपने देश का नाम रोशन किया, उनके जो टैलेंट था उसको उन्होंने क्या किया, फैलाया, अपने देश के लिए यूज किया, और क्या हुआ, एक तरीके से हमारे देश का नाम और रोशन हुआ। तो यही मतलब इसका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज गुड सिटीजन। कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक उसके पास अच्छे नागरिक ना हो। इसका मतलब यही है कि नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज गुड सिटीजन। जब तक किसी भी देश में अगर अच्छे नागरिक नहीं है, तब तक वो देश प्रगति नहीं कर सकता। सो दैट इफ वी लव अवर कंट्री, इसका मतलब है, सो दैट इसलिए कह सकते हैं कि अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं, कंट्री, एंड वांट टू सर्व इट, और चाहते हैं कि हम उसकी सेवा करें, वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन। तो हमें अच्छा नागरिक बनना होगा। अच्छा नागरिक आप क्या बनोगे, कोई जरूरी नहीं है कि आपको वीर काम बनना होगा, सिंपल आपको अपना ध्यान रखना होगा, आप लोगों से मदद करें, लोगों की, आप स्वच्छता फैलाएं अपने देश में, बहुत दूर नहीं, अपना ही घर साफ करें, अपना ही एरिया साफ करें, बहुत बड़ी बात है। और उस पर से आप लोगों की मदद करें, लोगों को सही सलाह दें, अगर आपको सलाह देना है तो गलत सलाह ना दें। ये सब चीज़ें आप करोगे और आप प्रगति करते रहोगे, तो देश अपने आप बड़ा होता जाएगा और प्रोग्रेस करता जाएगा। लास्ट पैरा है इस चैप्टर का, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। While we are at school, जब हम स्कूल में होते हैं, this is what we should be doing, हमें यही करना चाहिए, हमें यही वो चीज़ है जो करना चाहिए। We should be training ourselves in citizenship, हमें नागरिकता के हिसाब से अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। एंड कल्टिवेटिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सिटीजन, और हमें अपने अंदर उत्पन्न करना चाहिए एक अच्छे नागरिक होने का गुण। अच्छा नागरिक क्या होता है, वो शिक्षा शिक्षक की एक तरीके से आदर करता है, ठीक है, होता है सबके साथ, कोई कोई से शिक्षक अच्छे लगते हैं, कोई टीचर अच्छे लगते हैं, कोई टीचर अच्छे नहीं लगते हैं, पर हमें सबका सम्मान करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है। कभी आपको हमेशा ऐसा होगा कि आपको अगर आपको 10 टीचर पढ़ाते हैं, तो 10 में से हो सकता है आपको 6 टीचर अच्छे लगे, 2 टीचर आपको अच्छे ना लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ अनादर व्यवहार करें, उनके साथ भी आप अच्छा व्यवहार करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बात अलग है कि आपको समझ में नहीं आती उनकी बातें, वो अलग है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप उसका ध्यान दें कि शिक्षक जो आपको कुछ सिखा रहा है वो सबसे बड़ा होता है, इसीलिए गुरु को हम भगवान मानते हैं, यही रीजन है। फिर वही हम बता रहे हैं अब आगे से, इफ वी डू दिस, अगर हम ये करते हैं, दस दस व्हेन वी हैव वी लीव स्कूल, मतलब जब हम ये करते हैं, मतलब जब हम अच्छे नागरिक बनने की इच्छा रखते हैं और अच्छे नागरिक बन जाते हैं, तब हम, जब व्हेन वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ेंगे, लीव मतलब छोड़ना, एंड होम, और जब हम अपने घर छोड़ेंगे, अर्थात जब हम बाजार में जाए, हम जब हम दुनिया में जाएंगे, दुनिया में नौकरी के लिए जाएंगे या अलग अलग कामों के लिए जाएंगे, तब एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और हम अब देश के अलग अलग विभिन्न विभिन्न अलग अलग जगहों पे जाएंगे, वी शैल बी एबल टू फिल इट विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप। तब हम वो जहाँ भी हम जाएंगे, वहाँ हम क्या करेंगे, भारत के हर एक पार्ट जहाँ जहाँ हम जाएंगे, वहाँ हम अच्छी नागरिकता फैलाएंगे, अर्थात हम अच्छी चीजें वहां पे लाएंगे। यही चैप्टर का मतलब, मूल मतलब यही है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना ज्ञान हर जगह फैलाना चाहिए। यही टॉर्च बीरर मतलब होता ही है कि आप अपना जो ज्ञान है, अपना जो टैलेंट है, वो हर जगह दिखाएं और अच्छी तरीके से दिखाएं। यही स्टोरी का पूरा मोटो था, यही आपका मोटो था, इसीलिए ऐसी व्यापारी वाला स्टोरी आया आप में, यही कारण था। फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और रही बात जो अलग अलग लोग पूछ रहे हैं, कई लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि उसका क्वेश्चन बताइए दीजिए, उसका आंसर, तो वो सब प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो चैनल के।
एट लास्ट अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन, बेल जैसी बगल में घंटी आ जाती है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता आएगा। नोटिफिकेशन मतलब सूचना मिलती जाएगी कि कब मैं नया नया वीडियो डाल रहा हूँ। आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और उन लोगों से भी शेयर करें जो स्कूल नहीं जा पाते हैं किसी कारण से, तो वो भी अच्छे तरीके से उसको पढ़ लेंगे। और फिर से अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो आप टीचर की बात को भी उसमें मिलाकर समझ सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं आप मेरी ही बात समझो। आप टीचर की बात जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं या कोचिंग पढ़ाते हैं, आप उनकी बात भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, मेरी बात समझ सकते हो। सबकी बात समझ के आप अपना जो बेस्ट निर्णय है आप वो ले सकते हो। एट लास्ट फिर से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।